हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 406 आईपीसी, जनरली आपने 406 आईपीसी बहुत बार सुना होगा कि 406 की धारा भी लग जाती है और 498 की धारा के साथ जो है FIR होती है, यानी 498 ए के साथ 406 फ्री में दिया जाता है। FIR जब भी होती है तो ये दोनों सेक्शन तो बहुत कॉमन है। 498 ए में तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, क्वाशिंग कैसे करी जाए, कैसे उससे डील किया जाए, सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। और मेरी प्रीवियस आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 498 ए किससे कैसे आप डील कर सकते हैं और कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूँ, 406 आईपीसी जो है हमेशा 498 के साथ जोड़ दी जाती है और 498-406 की FIR जो है कर दी जाती है। अब 406 आईपीसी कहता क्या है और इसमें इससे बचे कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जब भी जो है वाइफ जो है हस्बैंड के घर जाती है तो वो जो है अपना सामान लेके जाती है, जिसे स्त्री धन कहते हैं। उसे जो गिफ्ट्स मिले हैं वो उसके साथ होते हैं, जो ज्वेलरी मिली है वो इसके साथ होते हैं। तो उसका जनरली ये एलिगेशन होता है कि उसे जो है घर से बाहर निकाल दिया गया और जो भी सामान था वो अब हस्बैंड या उसके इन-लॉज की कस्टडी में है। तो ये एक जनरल एलिगेशन जो है लगा देती है FIR। हर FIR में आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन एलिगेशन है, हर FIR, हर चार्जशीट में ये बहुत ही कॉमन एलिगेशन है। अब 406 होता क्या है, अब मैं एक टर्म यूज़ करने वाला हूँ, वो एक ध्यान से सुनिए, वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आएगी। उसे कहते हैं इंट्रस्टमेंट। इंट्रस्टमेंट, इंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे ए है, ए एक बैंक में काम करता है, बी एक बैंक है, बैंक ने जो 50,000 के नोट या लाख रुपए के नोट जो है ए को इंटरेस्ट कर दिए कि वो जो है कोई भी चेक डिपॉजिट करता है या कोई भी विड्रॉल करता है तो उसे वो कैश पकड़ा दे। कोई भी कस्टमर जो प्रॉपर रिसिप्ट के साथ आता है और कैश मांगता है, अपने अकाउंट से विड्रॉल करता है, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएगा और उसे वो कैश वो पकड़ा दे। अब ए ने क्या किया, वो कैश जो है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर वे में उसे डिस्बर्स करेगा, कस्टमर को देगा, ए ने जो है अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज़ कर दिया, यानी वो घर ले गया या उस पैसे का जो भी है कुछ और यूज़ करा जो बैंक ने जो है परमिट नहीं किया था। तो जो ए है वहाँ वो गिल्टी हो जाएगा जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 पे जो आप धारा है 406 के लिए गिल्टी हो जाएगा वो। तो ये एक ऐसा ये सेक्शन है, ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि ये सेक्शन कहता क्या है, किस बारे में है ये सेक्शन। तो अब जो वाइफ के एलिगेशंस क्या होते हैं कि मेरे जितना भी स्त्री धन हो गया, जितना भी मेरे डाउरी के आर्टिकल्स हो गए या मेरे गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए, वो जो है हस्बैंड के पास है और वो मुझे दे नहीं रहा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो वो आर्टिकल्स अब मेरे पास नहीं है, तो वो उसके पास है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रस्टमेंट, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि बैंक का जो एग्जाम्पल दिया। इंट्रस्टमेंट क्या है, इंट्रस्टमेंट ये है कि अगर वाइफ जो है एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाती है कि जो उसकी मदर इन लॉ है उसने जो है मेरे से ज्वेलरी मांगी, वो ज्वेलरी जो है लॉकर में रख दी, लॉक एंड की में रख दी, और मांगने पर वो मेरे को नहीं दी और वो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिगेशन आ जाएगा कि इंटरेस्ट किया गया, वो ज्वेलरी रखने के लिए दी गई थी, सेफ कस्टडी में रखने के लिए दी गई थी और वो मेरे को वापस नहीं दे रहे मांगने पर। तो वहाँ पे जो है इंटरेस्टमेंट जो है क्लियरली आएगा, क्लियर एलिगेशन हो गए। बट जनरली क्या होता है, जो ये FIRs होती हैं इसमें सिर्फ ये लिख दिया जाता है मेरा सारा स्त्री धन, मेरा सारा गोल्ड, सारा कुछ जो है विदाउट स्पेसिफिक कि कितना गोल्ड है, कहाँ पे दिया, किसको दिया, किसकी कस्टडी में है, कब दिया, ये सब चीज़ें है ही नहीं। सिर्फ ये कह दिया जाता है कि स्त्री धन और बाकी सारे जो गोल्ड के आर्टिकल्स हैं या जो भी है वो मेरे इन लॉज के पास है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया गया, बस ये एलिगेशन होते हैं। इस बेसिस पे जो है 406 की धारा जो है सीधा लगा देती है पुलिस। अब 406 में आपको पूरा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आर्टिकल जमा हुए हैं, किस लॉकर में है,
या किसको दिए आपने, कब दिए, कितने बजे दिए, ये सब चीजें भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना इसके रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप उस चीज की रिकवरी कर पाओगे जिसका कोई अता पता ही नहीं है? एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आप कहते हो कि ए ने मेरे से पैसे लिए और पैसे लिए उस के बी सी को देने के लिए, ए ने मेरे से पैसे लिए सी को देने के लिए और उसने सी को नहीं दिए, अपने आप मिस अप्रोप्रिएट कर दिए, पर आपने ये मेंशन नहीं किया कि कितने पैसे दिए, कब दिए, कहाँ दिए, कितने बजे दिए। तो ये सब चीजें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो इंटरेस्टमेंट का जो मैं जो एक वर्ड ये बार बार यूज कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जनरली जो है हाई कोर्ट जो है इसी पॉइंट पे जो है 406 खारिज कर देता है। क्वाशिंग के लिए जब जाएंगे 482 में, तो जनरली जो हाई कोर्ट है वो यही कहेगा कि इंटरेस्टमेंट तो दिखाई नहीं कहीं पे, कब दिया, किसे दिया, कितने बजे दिया, वो एक इम्पॉर्टेंट है। शादी के टाइम पे दिया, शादी के बाद दिया, कब दिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कब और कहाँ वो जमा है, वो आर्टिकल्स कहाँ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है इन केसेस में, तब क्या होता है? तब ये होता है कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो इस पॉइंट पे कभी इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है, ना ही कभी जो है इस रिकवरी की जाती है ना। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो बताओ रिकवरी कहाँ से हुई, जब वो एफआईआर में ही नहीं मेंशन है कि कहाँ पे है वो आर्टिकल्स, तो पुलिस कहाँ से ढूंढेगी वो आर्टिकल्स। तो अगर एक एक्यूज को इंटेरोगेट भी कर लेंगे तब भी कुछ नहीं पता चलेगा। अगर सपोज एक स्पेसिफिक लॉकर है जहाँ पे ये आर्टिकल्स जमा है, या स्पेसिफिक घर है जहाँ जमा है, तो घर का सर्च सर्च वारंट निकालो, वहाँ पे जाके आर्टिकल्स ढूंढो, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, फिर वो आप एविडेंस में आप लिखोगे, चार्जशीट में लिखोगे। बट अगर नहीं मिलते हैं तो फिर कहाँ से वो प्रूव कर पाएगी पुलिस भी वो केस 406 का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इंटरेस्टमेंट के ऊपर है मेनली, कि जहाँ पे जो है वाइफ या वेग एलिगेशन जब भी लगते हैं 406 के, तो उसमें जो है इंटरेस्टमेंट जो है वो नहीं दिखा पाती है। तो उसी वजह से जो है एफआईआर क्वैश हो जाती है, केस डिसमिस हो जाता है। हाई कोर्ट भी बहुत सारी जजमेंट्स है इस पे कि जो कहाँ पे है वो आर्टिकल्स, किधर जमा करा है, कब दिए, ये सब चीजें नहीं मेंशन करोगे तो 406 जो है बिल्कुल डिसमिस हो जाएगी। बहरहाल, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बारे में जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखी हुई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।